हाई एवरी वन हाई डिमांड पर वीडियो लेकर आई हूँ लाइव चैट नहीं ताकि डिटेल में बता पाऊँ और आप मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर पाएं ठीक है तो आज का जो टॉपिक है वही है कि मैं ये पायरेट स्टोन के बारे में और बताने वाली हूँ और एमेथेस और फ्लोराइड के बारे में और ब्लैक टर्मोलीन के बारे में और रेड जैस पर लेकिन सारा जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उसको क्रॉस क्रॉस करके बताने वाली हूँ और इनका क्या बेनिफिट है ये बताने वाली हूँ कॉम्बिनेशन में कैसे पहनेंगे ये बताने वाली हूँ किस हाथ में पहनेंगे इतने सारे क्वेश्चन किस हाथ में पहनेंगे ये बताने वाली हूँ हील्ड के साथ कैसा बिहेव करते हैं और अगर आपने बिना विदाउट हील लिया है तो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ ठीक है और यहाँ पे कोई कमेंट नहीं कर रहा है ना लिख नहीं रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे पर अकेले बात कर रही हूँ तो अभी फेवरॉइड का वीडियो बना रही थी तो उस पर उस चैनल पे जब ट्रीटमेंट बताती हूँ तो मेरे को कंफर्टेबल रहता है लेकिन स्पिरिचुअल चैनल पे आके लगता है कि हाय हाय कोई लिखे किसी को डांटू तो ये एंजल के बारे में भी बताने वाली हूँ ठीक है सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कैसे यूज़ करना है किस में पहनना कैसा रहना ठीक है लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए हाई एवरी मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एम डी इन नेचुरोपैथी चाइनीज मेडिसिन बैच फ्लावर रेमेडी विटामिन एंड सप्लीमेंट एंड क्रिस्टल हीलिंग इस पर भी मैंने पीएचडी किया हुआ ठीक है सो so, सोचा जिस चीज पे पीएचडी किया हुआ है क्यों ना उस पर बिजनेस कर लें कुछ कमा लें कुछ बता दें तो स्टिल आई एम स्टडिंग एंड आई एम डूइंग क्वांटम फिजिक्स लेकिन मुझे लगता है जो हिसाब किताब है गवर्नमेंट का अमेरिका गवर्नमेंट का आठ से नौ साल लग जाएगा क्योंकि उसमें क्लिनिकल uh, uh, वो मांग रहे हैं uh, क्या बोलते हैं उसको एविडेंस कि आठ साल का प्रैक्टिस करें तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ ठीक है तो चलो हम जो फैक्ट था वो बता दिया कि क्वांटम फिजिक्स में इतना लग जाता है क्योंकि क्लि क्लि क्लिनिकल ट्रायल डालना है ठीक है लेकिन हम पढ़ना तो छोड़ नहीं देंगे और क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ही मैं इसको रिचार्ज कर रही हील कर रही सारा कुछ कर रही तो मुझे बेनिफिट है ही जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए बिकॉज आई एम मैं पढ़ती बहुत हूँ तो चलो आप पे आते हैं पहला क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाहूंगी एक स्टोन और होता है जो नौकरी में और पढ़ाई में बहुत भयंकर मदद करता है लेकिन वो स्टोन मेरे पास ज़्यादा पीस नहीं है वो हीलिंग पे लगी हुई है वो ज़्यादा पीस नहीं है मेरे पास सिर्फ पचास पीस है पचास पीस है सिर्फ फिफ्टी पीस है बहुत मुश्किल से मिला था इंडिया में नहीं मिलता और बहुत कॉस्टली मिला था तो जब कॉस्टली मिला था तो हील करने के बाद और भी कॉस्टली हो जाएगा वो ठीक है तो मैंने उसको बनाया ही नहीं चौवालिस दिन का मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने कॉस्ट पे मैंने इसको उठाया है तो मैं सीधा सीधा 107 दिन का ही रखूँगा रखूँगी तो वो उसका हीलिंग जो कम्प्लीट होगा दो तीन दिन में कंप्लीट हो जाएगा लेकिन वीडियो मुझे लगता है कि डालने में मुझे पाँच छः दिन और लग जाएंगे क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ ठीक है तो मैं आती हूँ मेनली इस पर वो स्टोन ऑनलाइन होगा तो काफी कॉस्टली होगा तो जब आपका बजट बोले तभी लेना नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ये सब भी बहुत साथ देते हैं और ये हिल्ट किए हुए ठीक है आते हैं पायराइट पे सबसे पहले आते हैं पायराइट पे पायराइट का पेंडेंट या ब्रेसलेट आपकी किस ढंग से मदद करता है ठीक है मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रही हूँ इसलिए ये चीज बता रही हूँ ये आपको दिमाग को जादुई रूप से एक्टिव कर देगा आपके लाइफ में जादू हो जाएगा ऐसा नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थाली में आपके आगे आ जाएगी लेकिन ग्रैप नहीं करोगे क्योंकि ये हील्ड है इस चीज को समझो ये हील्ड स्टोन है अपॉर्चुनिटी आएगी तो बुलाई गई है क्योंकि हील्ड है आपने मांगा नहीं था आपने दो चीज़ मांगी थी तीन चार दस मिल गए हैं आपको सारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हील्ड स्टोन में देखो ऐसे होता है अगर आप यूनिवर्स को कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और जब वो मिल जाए उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो आगे से मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज लग जाएगी क्योंकि वो एनर्जी कट जाती है इसी तरह से जैसे कि एल्गोरिदम यूट्यूब पर चलता है कि ज़्यादा लोगों को ब्लॉक करोगे तो नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी उसी तरह से पूरा सृष्टि काम करता है ठीक है तो ये स्टोन मैं हील करके दे रही हूँ ठीक है तो हील करने पे ये क्या क्या करेगा पायरेट पेंडेंट या ये क्या क्या करेगा अभी क्यूब्स भी आए हुए हैं लेकिन ये हीलिंग पे लगे हुए हैं एग हीलिंग पे लगा हुआ है और पफी हार्ट भी हीलिंग पे लगा हुआ है ठीक है तो उसको मेरे ख्याल से लग जाएगा अभी बीस पच्चीस दिन या उससे ऊपर ही लग जाएगा तो जब तक हील ना हो तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता ठीक है इसका काम है आपको बहुत एंथो में रखना आपको जबरदस्ती बहुत ज़्यादा एम्बिशस बना देना ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशियस बना देता है ये स्टोन आपको लेकिन एक चीज एक क्वेश्चन था मैम इसको अगर टाइगर आई के साथ पहने तो क्या बहुत अच्छा रिजल्ट देगा टाइगर आई भी आपको एम्बिशियस बनाता है लेकिन टाइगर आई आपको होपलेस एम्बिशियस बनाता है ये आप ध्यान रखिएगा टाइगर आई के बारे में बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी लेकिन टाइगर आई उन्हीं लोगों को पहनना चाहिए जो वसूली के क्षेत्र में है आपको डरा के रखता अगर तूने पैसा नहीं उठाया ना तो तेरी ऐसी की तैसी आप बहुत एक्सट्रीम में लालची हो जाते हो फिर आपको नींद नहीं आती आप घबराते रहते हो मेरी चीज रख ली आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो जाता है आप बहुत बौखलाते हो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो और आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका जब तक ना आए तब तक टाइगर आई इसके साथ ना पहने टाइगर आई मैंने हील करने के लिए रखा है लेकिन वो एकदम नया है मतलब समझ लो हफ्ता दो हफ्ता हुआ, हुआ होगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा लेकिन टाइगर आई इसके साथ वैसे मत पहनना टाइगर आई बहुत बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाता है जितने की इंसान को जरूरत नहीं मतलब गंदगी पुतर कहो कि बहुत ही ज्यादा गंदगी पुतर जाते हैं तो इसीलिए उसकी या तो आप खुद को तकलीफ देने लगोगे के एम्बिशियस होकर के या फिर तो वो एंथो नहीं है उसमें मजा नहीं मजा इसमें जिसमें आपको एंथो आए मुस्कुराए एक्साइटेड हो कि हाँ हम कर लेंगे ठीक है तो ये आपको स बनाता है उठाता है चल करना है प्लान देता है ठीक है लेकिन साथ में ये ये जो है ना एमेथिस आपको क्या देता है? ये amethyst आपको हिम्मत देता है करने के लिए जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना वो बता रही हूँ या फिर ब्रेसलेट आपको हिम्मत देता है करने के लिए ठीक है इसमें ना वो वाला टेक्सचर नहीं आता जिसमें गुरु का भी वो ये सिर्फ सैटन से रिलेटेड रह जाता है विनस से रिलेटेड नहीं रह जाता थोड़ा बहुत रहता है विनस का असर इसमें लेकिन उतना नहीं रहता है लेकिन जो पेंडेंट है ना जो प्रीमियम रेंज वाला उसमें विनस और सैट वो गुरु का भी प्रभाव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है ना तो अगर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला कुछ चाहिए कि बहुत ज्यादा हिम्मत दे सपोर्ट दे तू कर लेगा तो आपको प्रीमियम लेना चाहिए अगर आप स्टूडेंट है और छोटा मोटा पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छा काम करता है ठीक है ये आपको एंथ हो और आपको एम्बिशन बनाता है तेरे को ये 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 करना है लेकिन अगर आप डरपोक हैं आप डरपोक नहीं और आपको पता है ये ये करना और आप कर लेंगे आपकी मानसिक शक्ति ही इतनी स्ट्रांग है तो इसकी जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन आप डरते कहाँ से हो पाएगा यार इतना बॉस सामने खड़ा कहाँ मैं अपना पेपर डाल पाऊंगा या मैं इतना लंबा पढ़ाई कहाँ से करती हूँ सपना तो बहुत बड़ा पता नहीं देखते ठीक है ऐसे में ये इतना हिम्मत आपका स्ट्रॉन्ग बड़ा है वाइटिलिटी का स्टोन है आपको बोलता है कि तू जवान है तू कर सकता है तेरे पास ताकत है आपका मानसिक शक्ति बढ़ जाता है समझ रहे हो इस बात को ठीक है तो इसके इसके कॉम्बिनेशन से ये होता है ठीक है लेकिन पहनते कैसे जिस ज, ज, जो हाथ से काम करते हैं उसके उल्टे हाथ में पहनते हैं ठीक है लेकिन ये राइट हैंड में ही पहनते हैं ठीक है ना ये राइट हैंड में ही पहनते हैं समझ रहे हो इस बात को इस चीज को ध्यान रखना लेकिन फ्लोराइड और इसको इसको पहनना है तो ये हमेशा राइट हैंड में ही होगा ठीक है ना इसका हिसाब किताब वैसा बाकी इनका नहीं है ठीक है लेकिन आप अगर टर्मोलिन और इसको इसको पहनना चाहे टर्मोलिन और रेड जैस्पर को पहनना चाहें तो ये रिलीजिंग स्टोन है ठीक है ना रिलीजिंग स्टोन हमेशा उस हाथ में पहनते हैं जिस हाथ से काम करते हैं उसके उल्टे हाथ ठीक है अगर आप लेफ्ट ही तो राइट right हैंड में पहनेंगे इफ आप अगर राइट right हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनेंगे ये आप देखेंगे आपका कर्म का हाथ कौन है उसके उल्टे हाथ में रिलीजिंग स्टोन पहना जाता है पायरेट के साथ क्या होता है ये सबसे पहले आपके डर को अंदर के प्रॉब्लम को भगाता है फिर आपको हील करता है इसीलिए उसको कर्म हाथ में नहीं पहन के उल्टे हाथ में बट अगर आप इन सपोर्ट ऑफ दिस पहन रहे हैं कि आपका फ्लोराइड भी है और ये भी है तीनों पहन रहे ठीक है ना अगर आप ये तीनों पहन रहे हैं हैं ऐसा पहन रहे तो आप अपने कर्म के हाथ में पहन लेंगे फिर समझ रहे हो तब ऐसे वर्क करेगा समझ रहे हो इस चीज को समझना तब ये ऐसे वर्क करेगा ठीक है मैम कितने ब्रेसलेट पहन सकते हैं एक साथ में आप एक हाथ में पांच ब्रेसलेट पहन सकते हो एक साथ में ठीक है आपने मुझे देखा होगा ग्यारह ग्यारह पहने हुए लेकिन जब तक आप इसको सह ना पाओ पांच से ऊपर मत बढ़ना वो आपको बताएगा कि तुम सह सकते हो तुम और ले सकते हो ठीक है ये चीज समझ में आ गया आप फ्लोराइड क्या करता है फ्लोराइड आपके किसी भी तरह के स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को इंटरनल सोल के प्रॉब्लम को क्लीन आउट करके इन थो देता है ठीक है अगर आप किसी ग्रीफ में किसी तकलीफ में किसी डर में किसी भय में तो उससे आपको रिलीज करा देगा आप फेल हो जाएंगे आपको तो घर वाले प्यार नहीं करते आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई बॉयफ्रेंड भाग गई बीवीएस कर रही बॉस तो नीचा दिखाता है कोली हंसते किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जो आपको अंदर से खा रहा है उसमें ये यूज होता है जरूरी नहीं कि सिर्फ करियर में लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये जरूरत पड़ता है अब आप अगर आप अपने इन लॉज से परेशान है या आप अपने पर... क्यों परेशान आपको पता नहीं तब भी ये हेल्प करता है स्पिरिचुअली हेल्प करता है ये ठीक है ना इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग और यू आर वेरी क्या कहते हैं आप बहुत ज़्यादा साधु टाइप के हो मतलब पूजा पाठ या इबादत करने वाले हो तब भी आपको पहनना चाहिए ये आपके मैसेज को ऊपर वाले तक बहुत स्मूथली पहुंचाता है इफ यू आर रीडिंग कुरान पाक तो भी आपके हाथ में कलाई में ये हो या पेंडेंट हो पेंडेंट मोस्टली मैं मना करती हूँ इसका लेने के लिए लेकिन अगर आप पेंडेंट पहनते बाद में देखूंगी मैं उसको कैसे हील करूं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमको पेंडेंट का अभी तक नहीं कि मैं उसको हील कैसे करूं इसलिए इसका पेंडेंट लेके नहीं आई इसका कलर कॉम्बिनेशन इसका जो रेज है वो रीड नहीं हो रहा मेरे को कि उसको हील कैसे करना है ठीक है तो वो मैं लेके नहीं आई लेकिन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं या फिर इसके एंजल के साथ आप प्रे कर सकते हो ये फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज तो हाथ में एंजल रख कर सकते हो या फिर ब्रेसलेट पहन के कर सकते हो ठीक है ये चीज बताए पायरेट के साथ लेकिन एमेथस जो है वो आपको क्राउन चक्रा से ही आपको स्ट्रांग बना देता है आपके सोच को स्ट्रांग बना देता है आपको प्रैक्टिकल कर देगा ऐसा नहीं इफ यू आर इमोशनल इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे इफ यू आर प्रैक्टिकल बट यू आर फूलिश तो आपका फुलिशनेस खत्म होगा और आप स्ट्रांग हो जाओगे कभी कभी किसी के हस्बैंड को देखा वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या वाइफ या गर्लफ्रेंड या आपके टीचर या बॉस देखा है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं लगता है जितना है नहीं उससे ज्यादा बकवास नहीं कर रही है ऐसे में ऐसे लोगों को इसकी जरूरत तब भी पड़ती है जब उनको ऐसा लगता है कि वो सर्वे सर्वा है। ये इंसान को औकात के अंदर रखता है एक तरह से फ्रेंकली स्पीकिंग वो ऐसा वाला स्टोन है जहां पर आपको पता होता है कि आप क्या हो और आपको पता होता है आप क्या कर लोगे और आपको हिम्मत मिलती है कि आप ये कर लोगे लेकिन ऐसा नहीं होता देख अभी ना मैं उसकी टांगे तोड़ता हूँ ऐसा वाला हिसाब नहीं होगा इसको पहन के आप बहुत कंट्रोल्ड वाइफ बन जाओगे जैसे मेरे को मैं ऑलरेडी कंट्रोल्ड वाइब हूँ ठीक है लेकिन कभी तो उथल पुथल मस्ता होगा तो एक दो घंटे के लिए पहन लिए अच्छा कितनी देर के लिए पहने सबको दिन भर लाद के घूमना नहीं होता मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में ठीक है ये दो स्टोन अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है चल ही रही है अंदर से चल ही रही चीज चीजों मिल ही नहीं रही है तो आप इसको 24 घंटा पहनिए फिर दो तीन घंटे उतार दीजिए फिर मन करे तो हाथ में डाल लीजिए फिर 10-12 घंटा पहनिए उतार लीजिए पहनी उतारिये पहनिए ठीक है ये स्टोन टर्मोलिन ब्लैक टर्मोलिन जब बहुत ज्यादा हाई ग्रीफ मानसिक रूप से आपको आ जाती है तो पहन लो एक दो घंटा तीन घंटे के लिए फिर उतार दो ये ग्राउंडिंग स्टोन है ठीक है और इसको अकल नहीं है ये grounding stone है लेकिन इसको अकल नहीं है कि ग्राउंड क्या क्या करना है आप इस चीज को समझे तो इंटेंस में अगर आपको दुख है तो इसको पहन लो और दुख नीचे चला जाएगा किसी भी तरह का दर्द है आत्मा में पेन है रो रहे है उसमें पहन लो आपको लगेगा ऐसे ही जादू हो गया ठीक है आधे एक घंटे पहन के रखो फिर उतार दो बिकॉज ये ग्राउंडिंग स्टोन है ठीक है समझना ये रहना जरूरी है क्योंकि एक मेडिसिन की तरह है ये चीज ये रहना जरूरी है आपके पास कि जब भी आप लाइफ में तकलीफ में ड्रॉर खोलो पहन लो बट इसको पहने नहीं रहना पूरे टाइम आपने मेरे कलाई में बस ये देखा होगा पहने में ठीक है बाकी चीजें हिम्मत मुझे है तो मैं एमेथस कभी कभी जब मुझे डर लगता है कि कर पाऊंगी तो मैं पहन लेती हूँ जब मुझे स्पिरिचुअली प्रॉब्लम होती है तो मैं आ, उसको चार पाँच दस घंटे के लिए इसको पहन लेती हूँ ठीक है लेकिन ये मैं पहनी ही रहती हूँ मोस्टली आपने मेरे फोटो में देखा होगा ठीक है तो समझो ये आपकी ख्वाहिशें पूरी डिफरेंट ढंग से करता है अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं बहुत ज्यादा परेशानी में रह रहे हैं आपका बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा किसी भी तरह की बीमारी है तब ये काम आता है इसका लॉकेट पेंडेंट या फिर ये ब्रेसलेट दोनों पहन ले बहुत तकलीफ है तो बहुत अच्छा कफ एंड कोल्ड है तो गले में पहन ले तो बहुत अच्छा अच्छा एक क्वेश्चन इसके लिए जन्मा है और एक क्वेश्चन इसके लिए जन्मा हुआ ये मेरे ही बताए हुए हैं इसीलिए इसका रिप्लाई दे रही हूं कि क्रॉस क्वेश्चन करते हैं पहला मैम आपने कहा था जिसका मंगल खराब है वो रेड जेस पर पहनने नहीं पहनना चाहिए वो बहुत इनिशियल्स बात थी ठीक है आप इसको देखेंगे तो इसमें सिर्फ रेड पिगमेंट नहीं है इसके अंदर शनि और राहु का भी असर है ठीक है ये लाल नहीं बिल्कुल लाल नहीं है ठीक है तो जब मैं ये बात करती थी तब उतना मॉलिक्यूल्स के बारे में आज से पाँच साल पहले थोड़ा कम समझ में आता था जैसे जैसे स्टडी बढ़ी ज्यादा चीजें समझ में आई ठीक है तो ये चीजें पहनी जा सकती है क्योंकि इसमें शनि और राहु दोनों का शनि सिर्फ नीला नहीं ब्राउन को भी दर्शाता है ठीक है शनि और राहु दोनों का है मामला इसके अंदर ठीक है तो ये उसी ढंग से वर्क करता है जिस ढंग से आप, आपके शरीर में अगर तकलीफ है तो इसको पहनोगे तो शनि का भी वो हो जाएगा हेल्प हो जाएगा ठीक है आप इस चीज को समझना समझ रहे हैं? और अगर राहु की महादशा में चल रहे हो तो भी बीच बीच में इसको पहनना या या राहु का खराब होना या राहु से परेशान होना जैसे अभी गज के श्री योग है तो ये हेल्प करेगा अब मैं आती हूं इस पे पायरेट पे कई लोगों ने जब मैंने वीडियो शुरू में बनाई थी तो मैंने बताया था कि साउथ फेसिंग का अगर है आपका घर तो पायरेट प्रॉब्लम करती है आपको असर करने में ठीक है हाँ ये बात सच है ठीक है इसको उसी ढंग से हील किया गया है देखो हीलिंग जो मैंने स्टोन को की है ना कोई अदृश्य शक्तियों को ऐसा कुछ नहीं है जो मंत्र पढ़ा है इसके अंदर सिर्फ क्वांटम फिजिक्स के थ्रू जो एनर्जी और वाइब्रेशन है वो इसको दी हुई है ठीक है ताकि ये स्टोन इस अपने कहानी को समझ पाए ठीक है उस ढंग से दी हुई है ठीक है फिर भी सेफ साइड बता देती हूं जो रूल है इसका पहनने का उल्टा हाथ उसको आप सीधा ही रखेंगे समझ रहे आ, उल्टा हाथ का रूल जो मैंने बताया ना वर्किंग हैंड से उल्टे में पहनते हैं लेकिन जब सब साथ में पहनेंगे तो सीधे हाथ में ही पहनेंगे चाहे आपका साउथ में हो लेकिन अगर आप अकेला पहन रहे और आपका साउथ में है तो सीधे हाथ में ही पहनेंगे वर्किंग वाले में ही पहनेंगे ठीक है इतना ही रूल है ठीक है समझ रहे उसको Uh, ये चीज हो गया अब आते हैं कि उन्होंने बोला कि हम इसको यूज कैसे करें ये बता दीजिए अगर आपने स्टोन लिया है तो उसको ज्यादा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है अगर आपने हील नहीं लिया जैसे विदाउट हील वाले भी विदाउट हील वाले भी अब बचे नहीं है ज्यादा ठीक है तो uh, विदाउट हील वाला मान लो आपने विदाउट वाला एक स्टोन लिया uh, पायरेट का लिया ठीक है तो इसको आप सबसे पहले विदाउट हील्ड है इसलिए मैं बता रही हूं कि इसको मैंने टच भी नहीं किया छुआ भी नहीं है इसको स्टाफ पैक करते हैं क्योंकि विदाउट हील्ड है मेरी क्या जरूरत है उसमें ठीक है तो हाथ भी नहीं लगाया हुआ है वो डायरेक्ट आया है और डायरेक्ट पैक होकर के आपको मिल जाता है ऐसे में ये दस्यो हाथ से गुजरता है और दसियों की इंटेंशन खा के बैठा हुआ है आप जब भी कोई ऑनलाइन स्टोन लेते हो ना उसमें गुड चैंटिंग डाली हुई है या बैड चैंटिंग डाली हुई यू नेवर नो स्टोन सबकी बातें सुनता है तभी तो इस स्टोन की इतनी दुनिया में पहुंच है पता है आपको कई स्टोन के बड़े-बड़े पहाड़ के पास चले जाओगे ना और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा वो घटने लग जाएगा आपके साथ ऑन स्पॉट समझ रहे हो इतनी तेजी से सुनता है ये ठीक है ऐसे में ये जब लोगों के हाथ में था जो कारीगर इसको पिरो रहा था या जो इसको पैकेट में डाल रहा था वो सब गरीब लोग ही थे ठीक है वो अच्छा मना रहे थे बुरा मना रहे थे सबकी इंटेंशन इसके अंदर है तो इसको क्लीन करना पड़ेगा ठीक है क्लीन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा जैसे ये पायरेट है ठीक है तो क्लीन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप धूपबत्ती लगाओगे कि उसको चांदनी रात में सब इंसान को एक चीज सूट नहीं करती ये भी मैं बता दू इफ यू मून कहीं से भी लूनर इक्लिप लगा हुआ तो चांदनी रात का स्टोन चार्ज नहीं होगा आपका ना क्लीन होगा क्योंकि इक्लिप्स लगी हुई कुंडली में तो आपका कैसे चार्ज करोगे इसको ठीक है ना ये चीज देखना होगा उसी हिसाब से यूट्यूब के अंदर दो चार वीडियो है एक सेज वाली वीडियो लोग यूज करते हैं सेज का धुआं लगाना वो कर सकते हो लेकिन अगर आपका चांदनी आपका लूनर इक्लिप नहीं लगा हुआ तो आप चांदनी रात में भी इसको रख सकते हैं ठीक है जब चांद इसको देखे ठीक है ये मैं विदाउट हिल्ड की बात बता रही हूँ ठीक है समझ रहे हो या सेलेनाइट के ऊपर रख दो सेलेनाइट के ऊपर रख दो अगर चांदनी रात मिल जाए तो वो भी रख दो ठीक है और सेज लीफ भी लगा दो ठीक है ऐसा कम से कम आपको इसके साथ आठ दिन या सत्रह दिन करना पड़ेगा लगातार करना पड़ेगा एक दिन में हिल ये क्लीन नहीं होता ठीक है इतना दिन करना पड़ेगा उसके बाद इसको आप पहनेंगे पहनने के बाद रेगुलर आने वाले आपको 44 डेज तो कम से कम मिनिमम लेके चलना 107 दिन भी कर सकते हैं आप अगर आपका ये विदाउट है ठीक है पहन करके दिन में कम से कम सात आठ बार उसको इंटेंशन डालने पड़ेंगे जो आपको चाहिए और आपका इंटेंशन याद रहना चाहिए आपको ये नहीं कि अभी आप केक मांग रहे थे आधे घंटे बाद मांगने लग जाओ उसके बाद जेलो और उसके बाद कैंडी फ्लो फिर कोल्ड ड्रिंक मांग रहे कभी कैंडी ऐसा नहीं आपको अपना सेंटेंस याद रहना चाहिए फोर्टी फोर डेज मिनिमम बाकी जितना डे मेरा लिखा हुआ है ठीक है उतने दिन मिनिमम आपको दिन में कम से कम दस बारह बार इसको अपने इंटेंशन देने पड़ेंगे समझ रहे हो तब ये चार्ज हो जाएगा आफ्टर 44 डेज अपना काम करने के लिए 44 डेज के ताकत पे या फिर आ, 62 डेज के ताकत पे या फिर 80 डेज 71 नहीं होता ठीक है बता दूं पहले ठीक है सेवेंटी वन डेज का कोई हिसाब नहीं होता एट्टी डेज पे या एक सौ सात दिन में ठीक है तो उतने दिन में आपको चार्ज करते रहना होगा ठीक है फोर्टी फोर डेज करके फोर्टी फाइव डेज अगर नहीं किया फोर्टी फाइव डेज को अगर छोड़ दिया तो फिर वो डे वन का हिसाब होगा तो अगर आपको एक सौ सात दिन पूरा करना है तो बीच में गैप नहीं कर सकते ठीक है थीके? तो ये मैंने बता दिया बहुत लोग पूछे थे हिल कैसे करना है तो मैंने बता दिया पहले क्लीन करना होगा फिर हिल करना होगा अगर आप विदाउट चार्ज लेते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा ठीक है ये पर्टिकुलरली आपके एक स्टोन को एक बार करोगे फिर दूसरे स्टोन को दूसरी बार करोगे ऐसे करना होगा बिकॉज आपके पास बहुत सारा साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं है जिसमें कि आप बहुत सारे एनर्जी को इकट्ठा करो ठीक है समझ रहे हो लेकिन आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो विदाउट हील अगर आप खरीद रहे हैं ठीक है तो मेरे वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो आपका ये फॉर्मूला है अगर किसी और प्ले क्योंकि मेरे वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो इसको एक बार सेज का धुआं जरूर दिखाया हुआ होगा विदाउट हील वाले को भी ठीक है ना एक बार क्योंकि हम घुसने नहीं देते हम किसी भी स्टोन को कच्चा जब लोग उतारते हैं ना गाड़ी से मैं घुसने नहीं देती हूँ अपने ऑफिस में इसलिए कि वो स्टोन कितना कुछ लेके आया होगा आपकी तो बाद में गर्क होगा हम अपना नहीं चाहते ठीक है तो हम बाहर ही पहले इसको धुएं से नहला देते हैं समझ रहे हो वो एक दो घंटे नहाता है उसके बाद ही अंदर आता है ठीक है लेकिन हम इसको चैंट नहीं करते इसको स्टाफ पैक करते हैं अपना इंडिविजुअल स्टाफ का वो होता है ठीक है मैं उसको पकड़ती नहीं हूं ठीक है क्योंकि मुझे बाकी जो हील करती उसी में बिजी रहती हूँ ठीक है अब आप हील्ड लेते हो तो क्या होता है हील्ड चाहे फोर्टी फोर डेज लो अपने एज पर पावर है फोर्टी फोर डेज का लो सिक्सटी टू एटी या वन हंड्रेड सेवन का वो इस तरह से चार्ज होता है कि आपको ये स्टोन लेना है इसको क्लीन नहीं करना हीलिंग क्लीन हो जाएगी क्या आप इसको धुआं लगाओ क्योंकि कोरियर से आया है वो पैक्ड है वो मेरे बाद उस डब्बे में पैक होने के बाद आप ही के हाथ में खुलेगा ये ध्यान रखना ठीक है तो इस पर कुछ भी नहीं करना है इसको धोना नहीं क्योंकि इसको मैंने वो धोना कर... नहीं मतलब यह कि धुएं में धोना मतलब ये नहीं करी पानी से वो तो पहनोगे तो धुलेगा ही लेकिन जाके धोने लगे ऐसा मत करना ये आपके हाथ में आया है ठीक है जिस समय पहना जैसे आपने देखा बड़े खुश हुए हम कल पहनेंगे इसको या शाम को पहनेंगे जब भी इंटेंशन पहले मन में बना लो क्या चाहिए ठीक है इंटेंशन मन में बना लिया ये रेडी है जो हुक्म मेरे आका इंटेंस जितना दिन की हीलिंग की है उतना ये देगा लेकिन चाहे चौवालीस लो ये एक सौ सात इंटेंस अलग अलग रहेगा बहुत पावरफुल की कम पावरफुल ये डे पे डिपेंड करता है ठीक है लेकिन सुनेगा आपको कुछ नहीं करना है आपको एक इंटेंशन रखनी है ठीक है इसको पहन लेना है वो इंटेंशन सोचते हुए इसको धारण कर लेना है या लॉकेट पहन लेना है ठीक है या फिर पहली बार जब आपको एंजल मिलता है या जो भी स्टोन मिलेगा एग मिलेगा जो भी उसको ऐसा कर लेना ठीक है इंटेंशन डाल लेना हो गया ठीक है पहन लिया अब वो इंटेंशन तो पूरी होनी ही है ठीक है क्योंकि आपने उसको बोल दिया उसके बाद तो कुछ नहीं करना है आपने पहन लिया हो गया भूल जाओ उसको हो गया डेली कुछ नहीं करना आपने उसको बोल के पहना है कि मेरे को ये चाहिए ठीक है अब हो गया छोड़ दो अब अपना काम करो अपने जिंदगी में बिजी हो जाओ मन में रखो कि मैंने इसको बोला है लेकिन उसको कुछ बोलना नहीं बार बार नहीं बोलना क्योंकि बार बार बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसी टाइम से उस उस एनर्जी हीलिंग में ठीक है समझ रहे हो अब आपकी वो 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 जो आपने उससे मांगा था उसने पूरा कर दिया ठीक है जैसे ही उसने पूरा कर दिया जो पूरा करने वाला चीज है ठीक है ये जो पूरा करता है चाहे ये ये पूरा कर दिया तो जैसे मान लो आप ये पहनते हो और पहनने के बाद ये पूरा कर देता है क्या पोटेंशियल से निकाल दिया आप अच्छा फील करो निकाल करके ड्रॉर में रख दिया इसको हमेशा पहने रह सकते हो ठीक है रख दिया अब आपको दूसरी चीज चाहिए आज ना सर बहुत दुख रहा है मेरे को मन से टेंशन हो रही है फिर से उसको बोलो जब भी नया चीज चाहिए ना पहनते समय सोच लो कि क्या चाहिए उसको फिर से बोल दोगे हमको ये चाहिए फिर पहन लिया आपने फिर वो आपका पूरा हो गया ठीक है पूरा हो गया आपने उतार के रख दिया या फिर पूरा नहीं भी हुआ और आप नहीं पहन रहे थे क्योंकि आपको शादी में कंगन पहनना था आपने उतार के उसको रख दिया दोबारा पहन लिया तब तक नहीं बोलोगे उसको दोबारा दूसरी चीज जब तक पूरा ना हो जाए जैसे ही पूरा हो जाए फिर पहनते समय उसको धोना नहीं है कोई धुआं नहीं लगाना कुछ नहीं दूसरी चीज पूरा होने के लिए फिर मन में कहो थैंक यू वो वाली चीज पूरी हो गई अब हमको दूसरी चीज चाहिए फिर पहन लो उसके बीच में आप जितनी बार उतार के उसको ड्रॉर में रखोगे या जितनी बार आप पहनोगे कुछ और नहीं मांगना या पहने रहोगे समझ रहे हो इसका सिंपल चाहे वो लॉकेट हो चाहे आपका आ, एंजल हो चाहे मैं आगे एग लाऊंगी पफी हार्ट सबका ये सिचुएशन है आपको जो चार्ज्ड है उसको एक बार बोलना जब वो कंप्लीट कर देता है जस्ट से थैंक यू टू यूनिवर्स एंड देन पुट अनदर इंटेंशन बट डोंट क्लीन इन क्योंकि जैसे ही कॉस्मिक में लेके उसको करोगे ना मेरा वाला जो भरा हुआ वो, वो खत्म हो जाएगा चाहे आप चांदनी रात में ऐसे खड़े रहे उससे नहीं मतलब होता आप जाके क्या कर रहे हो वहां पर आप रात भर लेटे चांदनी रात में से तो वो खत्म नहीं हो जाएगा लेकिन अगर आप वहां छोड़ दो उसको अलग पे अलोन है आपकी वाइब्रेशन से दूर है आपके कलाई में हार्ट में नहीं लगा हुआ तो प्रॉब्लम करेगा समझो इस साइंस को आप भी समझ सकते हो कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है तो इस तरह से इसको आपको मांगना है हील किया हुआ कितने दिन मैम एक सौ सात दिन हिल के वो एक सौ सात दिन ही चलेगा नहीं वो वन ईयर तक तो, तो पुख्ता चलेगा धीरे धीरे लाइट होगा तो मेरे ख्याल से महीना महीना एज पर योर डिमांड वो स्टोन कितना आप उसको खींच चुके हैं उस पर डिपेंड करेगा एज पर योर डिमांड वो डेढ़ साल मतलब अट्ठारह महीने सत्रह महीने चौदह महीने या बीस महीने होते होते धीरे धीरे वो आप पर डिपेंड है आप मेरे को बताना आपका कितना दिन चला ठीक है क्योंकि मेरे हिसाब से वो डेढ़ साल का कवर करेगा लेकिन एक साल में एक पूरा एक साल ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है ना इट डिपेंड कि वो कितना लेता है कितना टाइम वो करेगा ठीक है वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू होगा मतलब दस ग्यारह महीने या बारह महीने या तेरह महीने के बाद धीरे धीरे नीचे हो जाना शुरू करेगा कि कम उसमें पावर रह जाएगी ठीक है लेकिन एक एक जगह पर आकर के मेरे ख्याल से अठारह बीस महीने में वो बिल्कुल जीरो पावर पर खड़ा होगा जहां पर ना तो आप उसको चांदनी रात दिखा सकते हो ना क्लीन कर सकते हो ना उसमें इंटेंशन डालते अब वो खाली हो गया ठीक है आपको स्टोन को सजाना हो कहीं तो रख लीजिए लेकिन वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते वो मैनिफेस्टेशन लिए चाहे कोई दुनिया का स्टोन हो स्टोन के अंदर धातु होती है ठीक है ना जो वाइब्रेशन कलेक्ट करके रखती है ठीक है जब वो वाइब्रेशन ही खत्म हो गई तो आप उससे क्या कनेक्ट हो जाएंगे ये, ये जो चीज़ है ये स्टोन मिनरल्स के बने हुए हैं ना आयरन के थोड़ी बने हुए हैं ठीक है थीके? ये मिनरल्स के बने हुए तो ये ऐसा ही काम करते इनका केमिकल कॉम्पोजिशन ही ऐसा होता है ठीक है मैंने ऑनलाइन देखा काफी लोग कहते हैं इसको वॉश कर लो दोबारा नहीं नीलम भी आप अगर पहनते हैं ना आपने देखा होगा मैं नीलम बदलती रहती हूँ क्योंकि नीलम एक साल के बाद धीरे धीरे तीन साल तक में कूड़ा हो जाता है और आप जो अगर कहीं जो जिन लोग का मंगल का रहता है कि मंगल में बहुत लोग पहनाते हैं ना एरीज लगने वाले को या जिनके मांगलिक है तो उनको मूंगा पहनाते हैं मूंगा तो सात आठ महीने में ही धीरे धीरे एक डेढ़ साल तक कूड़ा हो जाता है चाहे आप जिंदगी भर पहन के रखिए वो आपकी मर्जी है लेकिन वो मूंगा आपके किसी काम का नहीं है तो जब प्रीशियस स्टोन इतनी जल्दी वैक्यूम हो जाता है तो आप सेमी प्रीशियस स्टोन को कितने दिन चला सकते उसके अंदर जो रेस तरंगे होती है वो अपना काम कर देती है अब ये नहीं है कि वो सोनार या का कशीदाकार के पास जाके री वो, वो उसको कढ़ाई कर देंगे घिस देंगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी नहीं होगा ऐसा क्योंकि प्राकृतिक में जो सालों साल में घुसा हुआ था वो आपने एब्जॉर्ब कर लिया है वो छोटे छोटे टुकड़े में था वो पहाड़ पर था तो बहुत बड़ा एनर्जी लेके बैठा हुआ था लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में बटा और वो आपने यूज़ कर लिया अब वो कुछ नहीं है सजावट के सामान के अलावा इस चीज़ को समझना आप ट्राई कर लो अगर आपको लगता है कि हम मेरे मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बेशक आप पुराना स्टोन ट्राई कर लो आपको नहीं काम करेगा चाहे उसके साथ कुछ भी जद्दोजहद करते रहो ठीक है क्योंकि वो खाली हो चुका है तो जब नीलम जैसा नहीं काम करता है जो इतना प्रीशियस या बोखराज नहीं काम करता है एक डेढ़ साल के बाद तो आप सेमी प्रीशियस स्टोन से क्या ढूंढ रहे हैं आप ये सोचो नहीं काम करता लोग पुस्त दे दे देते हार है अगर तो काम कर जाएगा हार बड़ा सा है पन्ना का क्योंकि डेली नहीं पहनते ना उसको शादी ब्याह में पहनते हैं तो एनर्जी तो वही बनी हुई है चाहे वो दस जनरेशन खींच दे एनर्जी तो रहे ही उस हार में एक ने ने पहना दूसरे ने पहना तीसरे ने पहना लेकिन जब तक एक त्याग करके ऐसे समर्पित ना दे अगले को सूट ही नहीं करेगा क्योंकि वो उसका बच्चा था उसके धड़कन से जुड़ा हुआ था तो वैसे भी खानदानी गहने लेने से पहले भी सोचना चाहिए अगर उसमें स्टोन है तो क्या वो आपसे प्यार कर रहा है ये स्टोन का नेचर होता है आपके ब्रीदिंग से आपके पल्सेस से जुड़ना उसके अंदर जो रेज होती है वो आपके पल्स से अटैच है या नहीं जैसे आपके गर्भ में आपका बच्चा आपके धड़कन से अटैच होता है स्टोन भी आपके धड़कन से ही अटैच होता है चाहे आप मर्द हो या औरत ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को रखो कि इट्स अ साइंस ये कितना आप दे सकता है अगर आप ऐसा नीलम पहने जो पंद्रह साल से तो निकाल के फेंक दो नीलम हम नहीं बेच रहे लेकिन हम बता रहे मूंगा हम नहीं बेच रहे वो काम नहीं करेगा वो काम नहीं कर रहा होगा नीचे लिखो अगर आपको लगता है कि वो काम कर रहा है आप मुझे बताओ कि आपको क्या वो काम कर रहा है तो मैं समझूंगी कि काम कर रहा है ठीक है आ, लेकिन आपकी ही चीजें बताएगी कि वो काम कर रहा है या नहीं अब आते हैं स्टोन टूट गया मैम एंजल का इधर से टूट गया पेंडेंट का उधर से टूट गया ऐसा मैंने एक दो वीडियो ऐसे भी दिखे बड़े टुकड़े से निकालते हैं तराश के छोटा लाते हैं तो वो भी तो कोई टुकड़ा होता है ना तो ये टूट गया तो क्या हो गया पहले मैं भी ऐसा सोचती थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स के अंदर गई ज्योमेट्री और आकृति का अपना असर होता है अगर वो टूट गया है तो उस आकृति का स्टोरी खत्म हो गया है हाँ उसको लेके कोई तराश के कुछ और बना दे तो भले उसका एनर्जी उसी के अंदर है वो यूज हो सकता है बट स्टोरी उसकी खत्म हो गई वो आपको फायदा नहीं करेगा समझ रहे हैं इस बात को लेकिन आपके फैमिली में या कोई ऐसा है जो आ, स्टोन को बनाना घिसना जानता है उसको दे देंगे आप और वो घिस के बना देगा दोबारा से तो वो स्टोन आपके काम का आ जाएगा अगर बीच में आपने उसकी एनर्जी यूज़ नहीं की है और टूट गया है तो ठीक है लेकिन कंडीशन अप्लाई अगर मेरे यहाँ से स्टोन लेते हैं आपके हाथ से छूट कर गिर गया टूट गया है और जब आप किसी को बनाने के लिए देंगे और वो बना के आपको वापस करेगा तो उसके बाद वो रॉ स्टोन है वो हील्ड स्टोन नहीं है ये मैं बता दूँ ठीक है अब वो फिर से रॉ स्टोन है और आपको जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया वैसे इसको पहले क्लीन करना होगा फिर आपको उसी हिसाब से उस प्रोसेस से हील करना होगा ठीक है अगर ये टूट गया तो समझ रहे हो तो जरा ध्यान से और एक चीज बता रही हूँ पायरेट में अब मैं ये वाला जा रही हूँ लिस्टिंग करने ये जो मैं बता रही थी कि वाइट वाला ये जो है ये जुपिटर का इफेक्ट इसके अंदर लिया हुआ है जो आपको और स्पिरिचुअल बनाता है जुपिटर जब भी आ जाता है तो बहुत स्पिरिचुअल बनाता है ये चीजों को और सेटन इफेक्टेड ये जो है इस तरह के जो मरकरी से रिलेटेड है इ, इस वाले जो स्टोन है ऐसे को मैं लिस्टिंग करने जा रही हूँ तो ये एक दो दिन में लिस्ट हो जाएगा दो दिन मुझे डायरी देखना पड़ेगा कि हील कब तक हो जाएगा क्योंकि एक दो दिन या तीन दिन आई थिंक इतने में ये लिस्ट हो जाना चाहिए मुझे डायरी देखना पड़ेगा क्योंकि मैं हील करती हूँ तो सबका मैंने टाइम टेबल बना रखा ना किसका कितना किसका तो उस हिसाब से तो मुझे डायरी देखना पड़ेगा इसको लेकिन बहुत जल्दी ही आ जाएगा ऑनलाइन ठीक है ये थोड़ा सा कॉस्टली है पुराने वाले से क्योंकि ये प्रीमियम रेंज में आता है ठीक है किसी को भी प्रेशर नहीं है कि आप हील्ड लें आप चाहते थे कि मैम आप हील करो उसी दे आपने दो साल डेढ़ साल लगातार मुझे बोला मैम आप स्टोन हील करके दो एक बार मैंने हील किया वही चीज़ 43 डेज में छोड़ दिया और उसके बाद वो ज़ीरो क्योंकि मेरा ये मानना साइकिल कंप्लीट नहीं होती तो आपका एनर्जी कंप्लीट नहीं होता ठीक है तो मैंने वो छोड़ दिया फिर दोबारा से मैंने शुरू किया फिर दोबारा से ये काम शुरू किया ठीक है तो ये हील स्टोन में बहुत मेहनत की है तो उस पर पूरे विश्वास से अगर आपको ट्रस्ट है तभी लें ठीक है जब आपको लगेगी ये आपको फायदा करेगा तभी लें लेकिन स्टूडेंट और जॉब करने वाले दोनों को मैं ये बता रही हूँ मेरे पास एक, एक एग्जाम्पल है मैं एक बंदी को देखती हूँ सी इज़ डूइंग आई वो आई ए एस की तैयारी कर रही है वो ठीक है शी इज़ सेंग कि उनका नहीं क्लियर हो रहा ठीक है ना नहीं क्लियर हो रहा मेरा स्टोन वो ले, ले लेंगी तो उनका क्लियर हो जाएगा ठीक है और जो वो कम उनका मैसेज होता है ना उसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होता है अब एक बात बताओ दो साल से क्लियर नहीं हो रहा है दैट इज अनदर थिंग बैंकिंग भी क्लियर कैसे करेंगे वो जब उनके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जब उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ना इंग्लिश में दम है ना इंग्लिश में दम है अगर वो रिटर्न निकाल भी लें तो इंटरव्यू कैसे निकालेंगे हु? उसमें ये स्टोन कैसे मदद करेगा ऐसे भी लोग होंगे जिनका सपना बड़ा होगा ये आपको बहुत एम्बिशियस बनाएगा ठीक है कि आप कर करो करो लेकिन ये आपको हिम्मत देगा कि आप कर लो ठीक है लेकिन पढ़ने के लिए संयम कि आप 18 घंटे बढ़ के अपना ग्रामर सही करो स्पेलिंग सही करो लाइन सही करो और घुटो मत और आत्मा फटने न लगे कि हाय मेरा नहीं हो रहा तो क्या होगा आप अपने आप को फिर से एक साल का मौका दे पाओ क्योंकि अभी वो ये सोच रहे हैं कि इस बार निकाल लेंगे इसको पहन के तो झूठा कमिटमेंट नहीं पॉसिबल नहीं उनके कमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा रहती है ऐसे लोग आई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो अपना खुद तो पढ़ते होंगे ना कि वो क्या टाइप करते हैं दूसरी बात उनके कमेंट के अंदर शॉर्ट फॉर्म आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कल के एल ठीक है डाउट का डीबीटी आपके सेंटेंस पढ़ने पे समझ में आता है कि आप लिखने के डाउट है ठीक है इस तरह की हरकतों में यू का यू वाई ओ यू नहीं यू योर का यू आर By ओ यू आर नहीं ठीक है ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना आपकी जिंदगी के कई एनर्जीज़ को काट देता है ठीक है ये हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तब ये शॉर्ट फॉर्म आपकी बहुत मदद करता है लेकिन जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यही शॉर्ट फॉर्म आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है अलग अलग जगह पे अलग ढंग से एनर्जी काम करती है समझ रहे हो अगर मैं रिप्लाई दे रही हूँ आई नो की शॉर्ट फॉर्म ही देना जरूरी है बिकॉज में इतना लिख नहीं सकती ठीक है लेकिन आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग की आप जॉब कर रहे हो ठीक है और आपको लाइफ में ग्रोथ लेना है ठीक है नौकरी कर रहे हो आपको इंक्रीमेंट चाहिए आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बट इफ यू आर स्टूडेंट आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे आपका करियर कट कर जाएगा समझो एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे वर्क करती है इफ यू आर मैरिड लेडी आप घर में रहते हो आप एक हाउस वाइफ हो आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बट इफ यू आर स्टूडेंट आपको आएगी तो एनर्जी कैसे काम करता है उसको समझो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बोरिंग लगे लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और प्लीज़ कोई इसका टाइम स्टैम्प दे देना कि जो एक से एक लेजी लेडी है उनको नहीं चाहिए होता लंबा वीडियो ठीक है उनके लिए टॉपिक्स हो जाएंगे ठीक है तो मैंने होप कि ये बता दिया ये रेड जैसपर बोला जाता है लेकिन ये लाल नहीं है ये ब्राउनिश कलर का होता है इसमें मरूनिश भी आता है जो बिल्कुल मरून कलर का होता है वो भी आ, उनके लिए जिनका मंगल का प्रॉब्लम है उनके लिए ठीक होता है ठीक है रेड मतलब ब्लड रेड ब्लड रेड जिनका मंगल खराब होता है उनके लिए नहीं होता और मेरे कमरे में कुछ भी ब्लड रेड नहीं है क्योंकि मेरे को मंगल की प्रॉब्लम है सो दैट यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाऊंगी एग्जाम्पल बट यू कैन अंडरस्टैंड गेटिंग माई पॉइंट तो मैं होप कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया है और आप प्लीज आपको अगर लेना है तो एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है सीओडी ऑप्शन वहां पर इसलिए अवेलेबल है बिकॉज बहुत सारा जो टी प्रोडक्ट है वो सी ओडी जाता है तो वहाँ पर अवेलेबल है सबका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर सकते इसलिए वन ड्रॉप मैजिक लाइट और स्टोन जो सी ओ डी नहीं जा सकता वो बदलाव दिखे ये इतना बड़ा वेबसाइट टेक्निकली सर्वर लेके नहीं चल रहा है कि आपका अलग अलग ऑप्शन आएगा ठीक है जैसे अमेजॉन करती है ठीक है तो आपको वहाँ सी ओ डी अवेलेबल ही दिखाई देगा लेकिन स्टोन और मेरा कोई भी ऑयल एक्सपीरियंस बहुत गंदा है आपको पता है रिटर्न आता ही नहीं है अगर दस लोगों ने रिटर्न किया तो मुश्किल से एक दो बॉटल वन ड्रॉप मैजिक की आती होगी वापस बाकी बीच में ही घूम जाता है समझ रहे हो और बहुत ज़्यादा ईमेल करनी पड़ती है कि मेरा सामान है आप सी बाउंस करते हो और हमें लॉस होता है समझ रहे हो और उसकी भरपाई दूसरे लोग भी भर रहे होते हैं क्योंकि इन टोटल हमारा गड़बड़ होता है समझ रहे हो बात को तो इसलिए हम सीओडी अलाउ नहीं करते हैं किसी भी तरह के ऑयल में और किसी भी स्टोन में तो बिल्कुल नहीं स्टोन में पॉसिबल ही नहीं आप सी बुक भी कर लेंगे या तो कैंसिल हो जाएगा या तो कॉलर का कॉल जाएगा कि आप पैसे दो तभी आपको सामान मिलेगा ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सी डी नॉट पॉसिबल ठीक है हील किया हुआ स्टोन वैसे भी उधार नहीं लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड का क्वेश्चन था क्रेडिट कार्ड उधार नहीं होता क्योंकि उसका आप एक फीस भरते हैं सी ओ डी कम्प्लीटली उधार होता है कंप्लीटली उधार होता है कि आपने उधार मंगा लिया अब आप पैसा दोगे ठीक है तो उसमें एनर्जी कटेगी तो आप वो ना ही लो तो बेहतर फायदा कुछ नहीं है ठीक है जितना बजट हो आप बिना हील वाला ले लो वो भी तो मैंने धुएं से तो धोया है ना लेकिन हाँ मैंने हील नहीं किया तो, ना मैंने पूरा क्लीन किया बस एक उसको एक दो तीन घंटे का वो क्या कहते हैं सेज लीफ का बात दे दिया ठीक है उसके अलावा उससे उससे खासा मतलब नहीं रखा ठीक है लेकिन जो आप अमेजोन पे लेते हैं ना स्टोन उसको सेज लीफ की बात भी नहीं मिलती है ठीक है और सेज लीफ बहुत कॉस्टली आता है इसलिए हम पचास पच्चीस रुपए ज्यादा रखते हैं उसका भी कोई खास नहीं आपको मार्केट रेट पर ही मिलता है चार सौ रुपये में दूसरे भी कई अमेजोन पे पाँच सौ निन्यानवे में बेच रहे हैं फिर भी जितना भी हमको कोशिश होता है कि हम कम से कम में विदाउट हील वाला दे पाए ठीक है तो उतना बात दे करके तो नॉर्मल लोगे तो वो दसियों के हाथ से गुजरा होता है ये होता है बाकी आपकी जहां से मर्जी हो वहां ले जो जो आपका क्वेश्चन था बस उसी का क्या अंतर होता है दूसरे वेंडर और आप में बस वही बता रही इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बता रही और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझसे बोला हील करने के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोग ले रहे हो और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जिनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये एक नए करियर में जा करके थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए कि आगे भी कर पाऊँ नीचे अच्छी अच्छी बातें लिखो अपने एक्सपीरियंस लिखो जितना आप कुछ भी पूछा है वो लिखो तो फिर मिलती हूँ कौन सा स्टोन और आप लोगों को चाहिए वो नीचे लिख देना जो हार्ट की फोटो मैंने बड़ी वाली की भेजी थी उसको हील होने में टाइम लगेगा छोटी वाली हार्ट कुछ दिन बाद आ जाएगी सबका टाइम अलग अलग है शुरू में मैं काफ़ी नर्वस थी और धीरे धीरे करके स्टोन ले रही थी इसलिए इकट्ठे लॉन्च नहीं हुआ बहुत सारा स्टोन क्योंकि सब आगे पीछे डेट का कम्प्लीट है हीलिंग ये आप समझ सकते हैं और ताकत भी लगती है ही हील करने में तो वहाँ जाओ उतना करो तो धीरे धीरे जब वो अपडेट होता जाएगा तो मैं आपको आपके सामने रखती जाऊंगी लेकिन जो स्टोन हील हो चुका है एक दो दिन में हील हो जाएगा उसको मैं धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं धीरे धीरे करके आगे के दस दिन में आपको बता दूंगी कि ये हील हो गया है आप ले सकते हैं ठीक है तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और बताना कि वीडियो कैसी लगी क्योंकि इस चैनल पे वीडियो नहीं डालती और शॉर्ट्स चाहिए होगा तो बताना हर स्टोन पे छोटा छोटा शॉर्ट्स बनाती जाऊंगी और अपडेट देती जाऊंगी तो आज के लिए इतना ही फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे तब तक तकली बाय